बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर क्लासेस 9 10th फर्स्ट ईयर ओ लेवल के लिए है। अगेन अ बेसिक लेक्चर अबाउट द साइंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि साइन कॉस टेन और फिर तीन इनके रेसिप्रोकल्स वो किस तरह आपने फाइंड आउट करने हैं। हल्की सी ब्रीफिंग मैं ज़रूर दूंगा इस वीडियो में भी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल भी देखें। फिर सबसे पहले मैंने आपको एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया हुआ, इस सर्कल को एलेबोरेट करेंगे। मैं किसी एक वीडियो को ज़रूर मैं इस पे टाइम लगाऊंगा, क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप है। ये कैमरा ए लेवल में आएगा या बीएस में जाएगा, तो इसमें सिर्फ सिंपल आप डायग्राम को एक दफ़ा निगाह मार लें। ये सर्कल सर्कल इज अ यूनिट सर्कल है। ये यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस जो है वो वन हो, और कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हैं, और कुछ थीटा जो है वो लेस देन 90 भी है, कुछ अल्टरनेट एंगल्स हैं। इन तमाम की ब्रीफिंग मिलेगी आपको, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में नहीं। तो देखते हैं टैन थीटा क्या है, ये साइन थीटा, ये थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कॉस है, ये कोसेकेंड्स है, ये सेकेंड है, कोटेंजेंट्स की लेंथ क्या है, इन तमाम, और थीटा कहाँ कहाँ जो है आइडेंटिकल है। इन तमाम को सामने रखते हुए सिर्फ वो वाली चीज मैंने पिक की है जो कि अभी काम आने वाली है, वो चीज ये है। ये मैंने एक यूनिट सर्कल ओ इज अ सेंटर पी इंटू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, x stand for the abscissa and y stand for the ordinate, perpendicular drop किया गया, this one x along x axis, as a rectangles को अगर हम meet करें इस तरह, तो ये y axis को represent करे, y represent करेगा, और r is the radius of the circle, ये radius of the circle है। अगर in case अगर हमने r को 1 रखना है तो ये unit circle होगा। फिर अब इनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, टोटल पॉसिबल जो है वो 6 रेशियो बनती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उसको मैंने ब्रीफ नहीं किया, कोई एक्सप्लेन ब्रीफिंग तो होगी थी, एक्सप्लेन नहीं किया था। अब चूंकि मैंने साइन बताने हैं तो लिहाजा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या सर्कुलर फंक्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा टच जरूर देना चाह रहा हूं। इसमें साइन थीटा कोसाइन थीटा उस साइड की रेशियो के बारे में है। रेशियो को जब हम यानी कि साइड्स को डिवाइड करेंगे तो साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोसेकेंट रेशियो हमें मिलेगी, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहलाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इनकी रेशियो जो है वो डिपेंड करती है एंगल पर, नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ। अब ये रेशियो को क्या और कैसे नाम दिया जाता है देखें। साइन थीटा को सिन या साइन ही कहा जाता है, ई को हम नहीं लिखते हैं। साइन थीटा जो होता है, ये एंगल आपको नजर आ रहा होगा, एंगल के बिल्कुल सामने, ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के सामने जो है हम इसे ऑपोजिट साइड का नाम देते हैं, या बाज का हम इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये 90 एंगल है, ट्राइंगल्स में चूंकि हाइएस्ट एंगल जो है यहाँ राइट एंगल का 90 है, 90 की ऑपोजिट साइड जो है वो डेफिनेटली द लार्जेस्ट साइड कहलाएगी, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब ये वाली सेम जहां हम ओ के लिए इसका नाम एम रख लेते हैं, और ओ एम जो लेंथ है ये इसकी बेस कहलाती है, या हम इसको एडजेसेंट का नाम भी देते हैं, परपेंडिकुलर ऑपोजिट बेस एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज है। इनको कोई वर्डिंग अपने ज़हन में लिख लीजिएगा, बावजूद मैं कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन इन्हीं के रेलेवेंट होगा। सबसे पहले जो पॉसिबल साइड्स बनती है, रेशियो बनती है, वो एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर वाई ओवर एक्स, एक्स ओवर वाई, वाई ओवर आर, आर ओवर वाई, एक्स ओवर आर और आर ओवर एक्स है। ये तमाम ब्रीफिंग में दे चुका। बहरहाल इनमें साइन थीटा जो है एक ऐसी रेशियो जो है ऑपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई ओवर आर That is said to be a sine theta. Base adjacent over r hypotenuse and ke x over r ye cos theta kehlata hai.
साइन और कॉस, इसे मैं कहूंगा, बल्कि कई मैथमेटिशियंस इस पे मुत्तफिक है कि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का नाम भी हम इसे देते हैं, इन दोनों। अब जो टेंजेंट थीटा है वो इन दोनों की ड्राइव है, फॉर्म है, यानी कि ड्विजन फॉर्म है। टेंजेंट थीटा है साइन अवर कॉस। अगर हम साइन को देखिएगा तो साइन बनता है वाई अवर आर, और कॉस को अगर मैं वैल्यू दूं एक्स अवर आर, तो r r से कैंसिल होके तो ये y over x बनता है। यानी कि अगर आप ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड की डिवीजन करें तो एंगल जो बनेगा वो tan theta होगा। अब जो tangent theta जो है वो tangent theta जो है वो ड्राइव में आ गया। अब cotangent theta देखें, secant theta और cosecant theta, ये तीनों जो है ये रेसिप्रोकल, मैथमेटिशियन कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, सिकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और इसी तरह कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। अगर इन्हीं रेशियोज को हम रिवर्स कर दें, इन्वर्ट कर दें, कॉट टेन को इन्वर्ट, यानी कि एक्स अवर वाई, सिकेंट कॉस का आर अवर एक्स, कोसिकेंट साइन का, जो कि साइन आपको नजर आ रहा है यहां वाई अवर आ रहा है, तो इसको इन्वर्ट कर दें आर अवर वाई। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये सिक्स की सिक्स रेशियो जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाती हैं। आमतौर पर हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, और सर्कुलर फंक्शन का भी नाम इन्हीं को दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखें, अगर इन केस आर जो है वो वन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आर अगर वन है, अगर मैं आर को वन रखूं तो साइन थीटा जो है वायर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट की ऑल्टरनेट है, इसी तरह कॉस थीटा जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तमाम सिस्टम जो है वो इसी तरह चलता जाएगा। ये तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने सीख लिए, समझ लिए, इनकी सिर्फ रेशियो आपने देखनी है। अगर इन केस के यहां वाई फाइव है और एक्स जो है वो थ्री है, तो इसी लिहाज से आप फंक्शंस ले सकते हैं, यानी कि साइन थीटा वाई अवर आर, उसमें हमें r भी चाहिए, r जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, यानी कि ये बन जाता है 25 + 9, 25 में 9 ऐड कर दें, दिस वन इज 34, तो ये 34 स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसी तरह अगर हम साइन थीटा लें तो वो 5/34 स्क्वायर रूट, कॉस ले 3/34 स्क्वायर रूट। इसी तरह ये तमाम फंक्शंस आपने फिक्स करने हैं, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इनवर्स ले लेते हैं। एक चीज को इसको रिपीट कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज। अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज को हम रेक्टेंगुलर के साथ मेजर कर सकते हैं। उसके लिए आप जूनियर सेक्शंस में जाएंगे, उसमें आपने एक लाइन ड्रॉ की होगी, डेफिनेटली आपके टीचर ने आपको बताया होगा, ये जीरो, इसके राइट साइड पे ये कोई भी एक्स एक्सिस पे लाइन है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल का नाम भी देते हैं। इसकी राइट साइड पे चूंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है आपकी राइट साइड पे, तो यहां तमाम जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, एक्स की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज को आप जीरो से राइट साइड पे लिखा जाता है। फर्ज करें कि अगर 5 प्लस को नोट करना हो तो 1 2 3 4 5 ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे यहां प्लस 5 मौजूद होगा। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, ये नेगेटिव वैल्यूज को, अगर यहां -5 होगा तो यहां कहीं ना कहीं -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए उस साइड पे जाना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और तमाम जितने भी रियल नंबर्स हैं उन्हें हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिहाजा इसे हम रियल लाइन भी कहते हैं। ये चीजें आपने सीखी। इसी तरह वाई एक्सिस पे ले जाए, वाई एक्सिस पे अपवर्ड, यानी
अपवर्ड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, ये ओरिजिन है, और डाउनवर्ड वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। डेप्थ में जाएं तो नेगेटिव है और अपवर्ड जाएं तो ये पॉजिटिव है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में ज्योग्राफी में एज अ सी लेवल के तौर पर भी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं इस वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरह रख दूं कि दोनों के जो ओरिजिन है वो क्विंसाइड करें तो ये एक शेप बन जाती है। ये वाई एक्सिस है वही जो ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस का बिल्कुल यही, और ये ओरिजिन है और ये वाला पार्ट जो डेप्थ में है ये नेगेटिव हो गया, और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू देगा। अब जब ऐसा करने पर हम ऐसा क्यों करते हैं, इससे हमें क्वाड्रेंट मिलते हैं। पूरे एक सर्कल पे अगर हम कोई मूवमेंट करें या सर्कुलर मूवमेंट करें तो दिस वन इज कॉल्ड अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। वन टू थ्री फोर क्वार्टर कहते हैं फोर्थ पार्ट को है, तो लिहाजा इसके 25% के चार पार्ट बन गए जो कि 100% मिले जाते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि यहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम डिस्कस किया तो ये वाला हिस्सा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां जो भी आप टू डिमेंशनल मूवमेंट होगी उसमें एक्स एक्सिस भी देखिएगा पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो हम इसे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव हम लिखें फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट देखें तो एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, यानी कि एक्स नेगेटिव और वाई जो है वो पॉजिटिव। दूसरे लफ्जों में अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन अपवर्ड जो है वो वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पे आए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा एक्स नेगेटिव है और वाई डेप्थ में है, वाई भी नेगेटिव वैल्यू देगा, तो लिहाजा एक्स और वाई ये दोनों जो है वो नेगेटिव हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बिहेव जो है वो क्वाड्रेंट में साइन के लिहाज से फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव एंड एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसको हम कुछ याद करने का तरीका ये होता है कि ये एक बिल्कुल सिमेट्रिकली है, अगर यहां दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां दोनों एक्सिस जो है वो नेगेटिव होंगे। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों का जो है रिवर्स जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर यहां एक्स नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव, अगर वाई पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपने जूनियर क्लासेस में नाइन्थ लेवल तक आपने सीखी होंगी। फिर इसके अलावा अगर हम इसे एंगल के लिहाज से देखिएगा तो हर क्वाड्रेंट जो है वो 90 का एंगल होल्ड करता है, ये भी 90, ये 90, ये 90 एंड दिस वन इज अ 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बिटवीन होगा, इसमें 0 90 भी शामिल है। यहां 90 और 180, ये 180 डिग्री, 90 और 180 के बिटवीन जो क्वाड्रेंट हैं वो इसमें होगा। अगर हम 90 का या 180 को डिस्कस करें तो अलोंग द वाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस वैसे भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो ये 270 डिग्री द बिटवीन द 180 एंड 270 डिग्री, और दोबारा हम जीरो पर आए तो एक साइकिल मुकम्मल होने के साथ साथ एक साइकिल मुकम्मल करने के साथ ये 360 और बिटवीन द 270 एंड 360 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए। रेडियन की बात करते हैं तो 90 रेडियन में जब आप कन्वर्ट करते हो तो 90 बनता है पाई बाय 2, 180 बनता है 2 पाई, ओनली अ पाई सॉरी, 270 3 पाई बाय 2 एंड 360 या 0 दैट्स 2 पाई,
एक कंप्लीट साइकिल जो है वो 2 पाई एंगल होल्ड करता है, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। इन तमाम को आपने ज़हन में रखिएगा, ये आगे जनाब रेक्टेंगल्स में। अब नेक्स्ट पे क्या होगा उस पे आप देखिएगा, इसे आप ज़हन में रख लें प्लीज। क्लियर? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 रिस्पेक्टिवली, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, हम एक ऐसे मैजिक करेंगे कि किस तरह एक्स और वाई जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हुए मैं आपको एक मुकम्मल यहां एक पिक्चर बनाऊंगा जो कि वो साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिहाज से आपने इसको याद करना पड़ेगा, जो कि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम को यही सॉल्व करेगा। अब देखें, अगर हम यहां आए, अगेन एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ जीरो, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, एंड दिस वन इज 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। अगेन अगर मैं वहां एक साइकिल मुकम्मल करूं तो 360 इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई आर जीरो। क्लियर हो गया? अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज अ सेकंड। हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज आना है, दैट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ सेकंड, दिस वन इज अ थर्ड एंड दिस वन इज अ फोर्थ। अब इन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम पहले पेज पे आए तो यहां मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि क्यों ना हम आर को वन रखें। अगर मैं आर को वन रखता हूं तो यहां साइन थीटा वाई ओवर वन, अगर इस आर को वन रख दूं तो साइन थीटा जो है क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू वाई ओवर वन। और अगर कॉस थीटा की रेशियो ले लूं तो वो है एक्स ओवर आर, तो कॉस थीटा हमारे पास बनेगा एक्स ओवर आर, यानी कि आर को हमने वन रखा है तो ये वन, डिनोमिनेटर में हम वन नहीं लगाते, तो लिहाजा वाई रिप्रेजेंट करेगा हमेशा साइन थीटा को और एक्स रिप्रेजेंट करेगा हमेशा कॉस थीटा को। रेडी? ये ज़हन में रखिएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, यस एक्स क्या था, पॉजिटिव, तो लिहाजा एक्स को रिप्रेजेंट करने वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कॉस थीटा, तो इसका मतलब है यहां कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? अब आए साइन थीटा, वाई अगेन पॉजिटिव, वाई को रिप्रेजेंट करता है साइन, तो इसका मतलब है यहां साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? साइन और कोस जिसको हम बेसिक लेके चले हैं फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव। अभी हम रिमेनिंग जो फंक्शंस है उसको डिस्कस नहीं कर रहे, फिर आगे चले। यहां कोस और साइन का बिहेव देखें, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो लिहाजा एक्स कोस, कोस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, फोर्थ वन कॉस थीटा पॉजिटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव। तो लिहाजा जो आपने ये याद किया हुआ है उसी को आपने फंक्शंस के साइंस के लिहाज से याद कर लिया होगा या कर लेंगे। अब आ जाए tan थीटा के बारे में। अब tan थीटा चुके हैं, हमें पता है कि वो sin over cos होता है, sin over cos, sin over cos। अब देखें यही हम देख रहे हैं sin over cos। अब मैं इसको erase कर रहा हूं, sin first quadrant में और cos first quadrant में दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो इसका मतलब है यहां tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। सेकंड पे है cos और sin
cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो डिविजन्स में पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव हैज अ नेगेटिव साइन, जिसका मतलब है tan जो है यहां नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव दैट इज अ पॉजिटिव, तो लिहाजा tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और इसी तरह जैसे कि ये बिहेव कर रहा है tan थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके साइन हमने फाइंड आउट कर लिए, सर्कुलर फंक्शंस के साइन हमने एज अ क्वाड्रेंट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब रेसिप्रोकल पे आइएगा, रेसिप्रोकल्स में देखिएगा कोटेंजेंट का बिहेव वही है जो tan का है, जो tan साइन देगा वही cot साइन देगा। तो अगर यहां हम cot को लेके जाएं तो cot भी पॉजिटिव, tan को ध्यान में रखिएगा cot नेगेटिव, cot पॉजिटिव, cot नेगेटिव, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं secant, secant जो है वो रेसिप्रोकल है cos का, यानी कि s secant। अब जो cos का बिहेव होगा यहां वो secant का होगा, cos चूंकि पॉजिटिव है तो secant यहां पॉजिटिव, cos नेगेटिव secant नेगेटिव, cos नेगेटिव secant नेगेटिव, cos पॉजिटिव secant पॉजिटिव। अब लास्ट में रह गया cosecant, cosecant यानी कि सी एस का रेसिप्रोकल, ये जेन में हमेशा मैं बार बार कह रहा हूं सी एस एस सी का रेसिप्रोकल है, तो वो साइन। अब यहां जो साइन का बिहेव है फर्स्ट में पॉजिटिव, तो यहां cosecant जो है वो पॉजिटिव, यहां जनाब cosecant जो है पॉजिटिव, यहां कोसिकेंट साइन का देखिए नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी एस सी यानी के कोसिकेंट थीटा साइन का देखिए नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर हो गया। अब ये सिक्स के सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अजीब वो ग्रीव सा किस्म का एक पेज सा बन जाता है, जो कि आपको क्वाड्रेंट साइकल्स में याद रखना पड़ता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने समझ लिया है। अब इसमें एक आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये देखिएगा फर्स्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो आपने यहां ए लगा है, ए स्टैंड फॉर द ऑल द पॉजिटिव। सेकेंड में आपने साइन को देखिएगा ये पॉजिटिव है, साइन के साथ उसी का रेसिप्रोकल, तो लिहाजा सिर्फ एस लेना है, ये एस आ गया ए एस यानी कि ए एस। थर्ड में आप देखेंगे पॉजिटिव जो है दिस वन इज अ टेन, सिर्फ टेन पॉजिटिव है, ये रिवर्स में है, तो यहां टी आप ले लें, यहां टी लिख दें। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इसका सी ले लें, इट इज सी, तो ये एस्टेक्ट जो है आपने ये वर्ड याद रखना है, ए ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस ओनली अ साइन पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, tan only a tangent positive in a third quadrant, c cos only a cos positive in the fourth quadrant. तो ये तमाम quadrants को आपने ज़हन में रखना है। अब इनके even और odd functions हैं, जो कि आप second year जो उससे further जो है आप study में लेंगे, हो सकता है कि हम मैं first year में भी इसे थोड़ा सा brief कर दूं, जो ही हम इसको elaborate करेंगे। इसमें एक चीज जो आपने याद रखनी है, हालांकि यहां से भी briefing हो सकती है, कि sine माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल, यानी कि साइन जो है
वो ओड और कॉस जो है वो इवन फंक्शंस कहलाता है। अब ओड और इवन की डेफिनेशंस और इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसी की भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो ड्यू रही। तो इसी लिहाज से आपने बाकियों के तमाम के जो है ड्राइव पे भी और रेसिप्रोकल्स के इसी तरह नेगेटिव साइंस को अपने जहन में रखना है। अब लास्ट में ये है कि तमाम के तमाम क्वाड्रेंट को हम किस तरह मैथमेटिकली नोटेशन दे सकते हैं। अब वो जरा गौर से देखिएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं यहां थीटा ग्रेटर एंड इक्वल लेस एंड इक्वल 0 to 90 degrees। अब यहां इक्वेलिटी भी आ जाती है, कंटिन्यूटी भी आती है और बाद का जो है वे इस तरह का वर्ड भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो जहां 0 और 90 या 0 और π/2 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां मौजूद है। आपका कर्सर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो है वो आपके सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की रिप्रेजेंटेशन ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसी तरह रेडियन में आपको कन्वर्ट करेंगे तो ये तमाम जो है आपको एक जो है ये टोटल जो है वो एक शर्त दी जाएगी, एक कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन के मुताबिक आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो उसके मुताबिक सॉल्व करने होंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने होगी। तो ये था आज का लेक्चर। कल का लेक्चर या नेक्स्ट डे जब हमारा लेक्चर आएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उनकी आइडेंटिटीज का आपस में ताल्लुक और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा, इससे फायदा उठाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका अल्लाह पाक हामी व नासिर। खुदा हाफिज़।